भाई डॉग है तो डॉग की तरह चलेगा ना, पांडा की तरह थोड़ी चलेगा। क्या बाहर से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने अग्रेसिव जाके अंदर खेलना है? तो अपने आप में मुतमिन बहुत होता हूँ, जब भी तैयारी करता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, सबसे बेहतर मैं ही हूँ। सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है ना वो फैमिली से मिलती है। जस्ट एक्सेप्ट इट और बी अ फाइटर। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद जी आया नो बखैर आगले भली करे आया वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया संदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। भाई जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं और वो खराब निकल आती है, घर वालों से लेके दोस्तों तक वो क्या कहते हैं जनाब? कहते हैं जानी चाइना का माल उठा के लाए हो। हाँ, नहीं तो चाइना का माल चिपका दिया है। अच्छा इस बार चाइना ने ना अपने ही लोगों को चूना बना दिया है। वो कैसे? वही वो ऐसे है कि चीन में एक एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू है, उसमें लोग जाते हैं, जो समंदरी हयातियात है ना उसका नजारा करते, जैसे दुबई वगैरह में है। हाँ, दुबई बिल्कुल, में बिल्कुल। उस तरीके से तो समंदरी हयातियात का वो नजारा करते हैं, आप देख भी सकते। अच्छा, और इसका टिकट कितने का है? और इसका भाई टिकट जो है वो है 400 युआन। और ये कितने पैसे हुए पाकिस्तानी पैसे? ये बन गए 16,000 रुपए पाकिस्तानी। अच्छा फैसल, जहाँ तक मेरी मालूमात है जो व्हेल शार्क हैं वो दुनिया में बहुत कम हैं, और इस तरह के एक्वेरियंस में तो बस 20-25 ही हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर मतलब शार्क को देखने के लिए इतना टिकट तो क्या गम है भाई? भाई गम ये है कि असली का बोल के मशीनी व्हेल शार्क दिखा दी इन्होंने। सैया गुस्से में है, उस 16,000 रुपये उन्होंने दिए, असली व्हेल शार्क को देखने आए थे, उनको नकली रोबोटिक व्हेल शार्क दिखा दी। यानी इस बार चीन ने अपने ही लोगों को चाइना का माल चला दिया। यानी कि चीन ने चीनियों को ही चूना लगा चले दिया। तो चांद तक बन गए। हाँ, चले तो चांद तक वरना शाम तक। वैसे हाँ। आपको पता है चीन में ये चूना पहली मरतबा नहीं लगाया गया। अच्छा हाँ, और हम अगर आगे आपको दिखाए ना इस फुटेज में, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें आप, ये इससे पहले पांडा देखने गए थे लोग। पांडा नहीं है ये, पांडा ही तो है। नहीं ये पांडा नहीं है, ये कुत्ता है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट उसको क्या किया हुआ है? इसको ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर दिया है। और वो सैया यहाँ भी पहुंचे उन्होंने। तो डॉग है भाई, डॉग है तो डॉग की तरह चलेगा ना, पांडा की तरह थोड़ी चलेगा। एटलीस्ट उसको बेचारे को ट्रेन ही कर देते थोड़ा पांडा की तरह। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान, अहम मुआशी मुआहदों पर होंगे दस्तखत, मुआशी बेहतरी की नवीद और खारजी महाज पर पाकिस्तान के बेहतर होते तशख्स के दौरान पीटीआई का इंतशारी टोला इस्लामाबाद की जानब। इस्लामाबाद में किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए आर्टिकल 245 नाफिस, वॉच तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी रकम 100, इंडेक्स 1,00,000 की सतह अबूर करने के करीब। मार्केट की तारीखी बुलंदियों से सरमायाकार कैसे फायदा उठा सकते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तानी तनसास की दुनिया भर में धूम, आलमी मुकाबले में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। यूसुफ आवान आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। और सिंधी कल्चर के फरोग की कोशिशें, कराची में सिंध क्राफ्ट कल्चर फेस्टिवल का मेला तमाम तर रानाइयों के साथ अख्तिताम पसी। फेस्टिवल में शुरुआत के लिए क्या कुछ था बताएंगे आज हम आपको प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज, जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उससे भी ऊपर ये कि जो हमारे गैर मुल्की मेहमान हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बेलारूस के सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव, 3 रोज़ा दौरे पर वो इस्लामाबाद में हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल भी किया है। बेलारूस के सदर की दौरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात और साथ साथ नए ताल्लुकात का दौर का आगाज़ भी हो रहा है। दौरे के दौरान कई अहम माहदों और मुकामाती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। अच्छा बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में हैं, आज अहम मुलाकातें होने का इम्कान है और इसके साथ साथ वजीर खारजा की क़यादत में वज़रा और ताजरों का वफ्द भी इतवार से पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में हुआ ये है कि आपको पता है कि आजकल इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन चल रही है, और ओवरनाइट जो लोग अब जाग रहे हैं
और वो लोग देख रहे हैं कि व्हाट हैज हैपेंड ओवरनाइट इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई, आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुलाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि इंतशारी और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के लिए ये तमाम तर इकदाम किए गए हैं। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर ही गोली मार देने के वाज़ह अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इंतशार पसंद और दहशत गर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए तमाम इकदाम बरकरार लाए जाएंगे। एब्सोल्युटली। अब हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। कयूम साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम आपसे ज़रूर बात करेंगे कि बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं, यू नो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन, क्योंकि वो गालिबन दूसरी मरतबा आए हैं। इससे पहले SCO के जो कॉन्फ्रेंस होता है इस्लामाबाद में, बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें भी आए थे और अब दोबारा आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो ओवरनाइट हुआ है, बहुत ही तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद और किस तरह ये मामला आगे बढ़ रहे हैं जान साहब? देखिए बहुत मेहरबानी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने छाती के जोर पे और बलवे करके और अटैक करके और आप मार्चेस करके कैपिटल के ऊपर, जहां अदालत ने भी रोका हुआ है और जहां दूसरे मुल्क के सदर आए हुए हैं, मतलब इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। और इसलिए मैं हैरान हूं कि ये बलवाई, आपको पता है डिफेंस के लोगों को इवन राइफल नहीं दी गई, इसलिए ताकि कैजुअल्टीज ना हो, चूंकि जो ये भटके हुए या जिनको बेरा रवि का शिकार किया हुआ है, जिनको सियासी लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको एब्सोल्युटली ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो भी हमारे बच्चे हैं और हम ये नहीं चाहते। और फिर देखें इसमें एक सूबाइयत की बात भी आ जाती है, एक और सूबा दूसरे सूबे में दाखिल होता है, ये और ज्यादा डेंजरस है। और ऐसी फॉल्ट लाइनों को, फिरकावारियत हो, सूबाइयत हो, लसानियत हो, इसको दुश्मन और एक्सप्लाइट करता है। और आई एश्योर यू कि जो हमारे एनिमीज ऑफ पाकिस्तान है वो तो तालियां बजा रहे होंगे। आप अगर ये कहते हैं जी कि अदालत का हुक्म है फिर भी हम जाएंगे, हमने हर हालत में जाना है, दफा 144 लगा हुआ फिर भी हमने जाना है, बाहर का कोई लीडर आया हुआ फिर भी हमने जाना है, और उसके अंदर कीमती जाने जाया हो रही हैं। आप देखिए कल एक जो कांस्टेबल है मुबशर वो लाहौर में, और आज रात को 4 हमारे रेंजर्स के लोग, अभी इसका मुकदमा या कत्ल ये जो हुआ या ये जो मर्डर्स हैं, ये हमारे लिहाज से तो हमारे मुल्क के ये जवानों की शहादतें हैं, लेकिन ये करने वाले अगर हमारे आप में तो कौन जिम्मेदार है? तो इसके अंदर तो ये जो FIR कटनी चाहिए 302 का दफा है, और ये उन लोगों पे लगाना चाहिए जो लोगों को वरगला के यहाँ लेके आते हैं और करते हैं, मतलब है इस तरह। और दूसरा भी आर्मी को बुलाना पड़ा है, अफसोसनाक बात है कि आप पुलिस को भी आगे डंडे मार रहे हैं, रेंजर्स को भी आप कत्ल कर रहे हैं, और आगे फिर आर्मी को हल्लाना पड़ा है। आर्मी हमारी बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, हम कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर उसका इस्तेमाल हो, लेकिन जब एक्सट्रीम के ऊपर आप आ जाएं, जब आप मारने मरवाने की ऐलान करके यहाँ पहुंच रहे हैं, जब आप ये कर रहे हैं कि कफन दफन होगा और डेड बॉडीज आनी चाहिए, तो फिर आप इन डेड बॉडीज के जिम्मेदार भी आप होंगे ना, बिकॉज अभी इन्होंने शूट टू किल का ऑर्डर दिया और देना भी है, अदरवाइज लोगों की जानों माल की हिफाजत नहीं होगी। पूरा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें आपने इन ट्विन सिटीज में ये ड्रामा खड़ा किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कोई परिंदे का पर नहीं मार रहा, सिंध खामोश है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, ये है, और आप उधर से एक बनवाइयों का वो लेके तो इधर आ गए हैं, और ये लोगों को आप खब खाकी ककारत और नफरत पैदा करें। और स्पेशली जब कि आपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें, वहाँ पारा चनार के अंदर कोई लोग उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं, कोई लोग उसको फिरकावरियत कह रहे हैं, कोई लोग जो अंदर की हालत जानते हैं वो कहते हैं ये लैंड का इनका आपस में डिस्प्यूट है और दो पार्टियां आपस में लड़ी हैं, और जिसकी वजह से फिर इनके एल्डर्स को बुलाया गया है और उनकी सुलह कराई जा रही है, जिसके अंदर बहुत सी 80 लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उसको भी हमारा दुश्मन तो खुश होगा जो कि उसको आप जिससे मर्जी है लिंक करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक बात है, हमें आईन की हदूदों कयूद के अंदर रह के अपने पॉइंट्स देने चाहिए, सियासी लोग सियासी लोगों से मिले। अब जब ये आपको पता है तारिक इंसाफ वाले ये कहते हैं
हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट आपको क्या दे सकता है या कर सकते हैं? इन कोवोचेस का पड़ा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करके हम इक्तदार में आ गए थे और फिर इक्तदार काबू नहीं रख सके, फिर आईनी तरीके से हट गए, तो फिर इन्होंने ये अभी शुरू कर दिया है, ये कतई तौर पे। और इनके कोई जायज मुतालबात है तो हुकूमत को भी जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। और कोई, एंड आई कैन अश्योर यू कि गवर्नमेंट भी, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी वक्त भी, वो कभी भी नहीं चाहती मुल्क में अल्लाह गुल्ला और इस तरह के शोर शराबा हो, बिकॉज कल तक वो भी अपोजिशन में होंगे। तो आई एम श्योर कि वो इन चीजों को डील कर रहे हैं, बल्कि ये 9 मई के केसेस तो बहुत डिले हो गए। अगर इनकी सजाएं पहले हो जाती तो शायद आज ये मौका ना आता कि आप दोबारा लोग हमलावर हो रहे हैं। और 9 मई में तो कोई मर्डर नहीं हुआ, किसी की जान नहीं ली, कोई शादे नहीं हुई, इधर तो आप भी तो लोग उनको मार मरवा रहे, तो ये तो उससे भी ज्यादा सीरियस एक बगावत है। ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मुल्क के निजाम के खिलाफ बगावत है, जिसमें आप लेर इन कर रहे हैं कि ये मुल्क का सारा निजाम ठप हो जाए और बाहर की ताकतों को भी। कयूम साहब, ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही क्रूशल है। इतने मामलात ख़राब हुए हैं कि पुलिस वाले, रेंजर्स वाले जख्मी, शहीद हो रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी, मामलात सेट नहीं हो सकते टेबल टॉक के थ्रू? या हो सकते हैं बीबी, फॉर श्योर हो सकते हैं सोनिया, के आप मुलाकात तो करें ना एक दूसरे से। यानी आप देखिए, इनको अपोजिशन के लोगों को जब ये कहती है हुकूमत की हमारे से बात करें, तो वो कहते हैं आप तो चोर डाकू हैं, आप तो किसी की प्रॉक्सी हैं, आपसे हम कैसे बात करें। और इसी आइन के तहत इन्होंने हलफ लिया हुआ है, इसी आइन के तहत ये असम्बलियों में बैठे हैं, इसी आइन के तहत इनकी केपी में हुकूमत है। तो मेरा मतलब है, मैं ना मानू वाली बात है, यानी इनका यही है कि हम स्टैंडर्ड से बात करें। और जिस तरह वो पहले हमें 2018 में लेके आई थी, उसी तरह हमें इक्तदार के आह्वानों में लेके आए, फिर वो ठीक है। अगर वो भी ऐसा ना करें तो फिर वो गद्दार है, फिर वो मीर जाफर है, फिर वो मीर सादक है। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बेलारूस के सदर आए हुए हैं, इससे पहले हमने देखा कि एक शानदार कॉन्फ्रेंस हुई SCO की, जिसकी दुनिया मुतरिफ हुई, और फिर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सामने गया। वी आर थ्रॉटलिंग ऑन दिस पॉइंट, वी आर अ सेफ कंट्री, वी आर अ कंट्री सो दैट द वर्ल्ड कैन कम ओवर हेयर एंड इन्वेस्ट। इस तमाम तर मामले में, इस इस्लामाबाद के मार्च को या फाइनल कॉल को, वट एवर द नेम मे बी, उसको आप ना सिर्फ फाइनल कॉल दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, ये टाइमिंग बेहतर है इन सब, इन तमाम कामों के लिए, या फिर ये चीज़ें बाद में की जा सकती हैं? जी जी, देखें बात ये है ना कि अगर मुल्क के मफादात से कोई दिलचस्पी हो तो फिर तो टाइमिंग की बात है। ये सारे गैर सियासी एक किस्म के, एक वो जो गलत सलाहकारों की वजह से, सलाहकार तो है नहीं, वन मैन शो है पार्टी का, और वो मैडम जो है उनकी वाइफ, वो उनको अलग वो लीड कर रही है, और वो कह रही है कि इधर ना उनको सियासत का पता है, ना सफारतकारी का पता है। आपने देखा सऊदी अरेबिया का भी कहना शुरू कि काले आनी शुरू होगी कि हटा दो वगैरह वगैरह, मतलब है इसकी इतनी डीप रूटेड इम्प्लीकेशंस हैं बखुदा, कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को एक खातून ने भी होस्टेज लिया हुआ है, क्योंकि उन्हीं की बातों के ऊपर, वो भी इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुर्शिद है मेरी, और वो उसको ना तालीम है, ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ और है, बस सिर्फ ये है कि हमें उधर होना चाहिए और इक्तदार में रहना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसकी इसको मेल मिला के आपस में बैठ के, उनके अगर कुछ हैं कि हमारे इलेक्शन के अंदर आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उनके केसेस हैं, वो एक्सपीडाइट होने चाहिए, और वो अगर अभी एक्सपीडाइट नहीं हो रहे तो वो पहले भी इसी तरह होता रहा, वो भी गलत था। मसलन आप देखिए, कासिम सूरी साहब का केस आया, ब्लैक एंड वाइट के अंदर उनके धांधली थी और रिजेक्ट कर दी इलेक्शन कमीशन ने, वो स्टे लेके 3-4 साल डिप्टी स्पीकर के चक्कर में लगे रहे और सब कुछ होता रहा। हमारे अदलिया के निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। जो लोग जेन्युइन हैं, जिनके खिलाफ पिटीशंस हैं, उनका फैसला होना चाहिए यस और नो, और जो जाते हैं वो जाने चाहिए। तो ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 225, और उसमें यही है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही इनका फैसला करेंगे, और उनको करना चाहिए। उनके अंदर ट्रिब्यूनल बनने में देरी हुई,
तो ये हमारे अदलिया को भी इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए और ये देखना चाहिए क्या। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी तो ये जो हुकूमत है ये आल्दो माइनॉरिटी या पार्टी तो, लेकिन जो कोलिशन है उसके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसमें से आप 4 बंदे निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे, 10 निकाल देंगे, इवन देन इनकी मेजॉरिटी को तो आप नहीं कर सकते। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये सब कुछ जो है ना करोना ये खाक का ढेर बन जाए और उसके अंदर जो है वो हम जाके वो कहते हैं ना रांझा जो है बांसुरी बजाए। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब इस्लामाबाद की जो सिचुएशन आपके सामने है, दुआ कर सकते हैं कि ये तमाम तर जो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की FDIs इस वक्त पिछले कई सालों से कुछ बेहतर हालात में ज़रूर आई हैं। इन तमाम तर चीज़ों से हम दोबारा बैक ट्रैक तो हम नहीं होना चाहेंगे। सर्टेनली ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बस हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो चीज़ हो वो अच्छे के लिए हो। इसी चीज़ के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आने, आपको कहीं जाना नहीं क्योंकि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। लेट्स टेक अ ब्रेक। भाई आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और लोग आजकल बहुत घूम फिर रहे हैं, बहुत घुमा फिरी हो रही है, बहुत फुल मजे में। देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। वैसे ये घूमना फिरना इसलिए भी हुआ है ताकि आपको दिखाया जाए कि कराची में क्या कुछ हुआ। तो 3 रोज़ा सकाफ़ती मेला हुआ, पोर्ट ग्रैंड में सोनिया गई, वहाँ पर सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल था, क्या ही ज़बरदस्त रंग देखने को मिले। ये तो मैं इस वक्त सिर्फ बता रहा हूँ, आप दिखा रही है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, सोनिया गई पोर्ट ग्रैंड और सिंधी कल्चर जब उन्होंने विजिट किया तो क्या क्या रंग देखे, देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड में जहाँ लगा हुआ है सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल, जो कि हर साल लगाया जाता है, और यहाँ पर सिंध की तहजीब, ट्रेडिशन, तमद्दुन लोगों को दिखाया जाता है, पहनावे दिखाए जाते हैं, खाने दिखाए जाते हैं, म्यूज़िक दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरह तरह के इस वक्त स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो सिंध की सकाफत है वो दिखाई गई है, कि जो रलियाँ हैं, जो हमारे काम है, हाथ की जो दस्तकारी है वो दिखाई जाती है। यहाँ पर आप यकीन करें पूरा सिंध उठ के आया हुआ है, सिंध की पूरी रौनक उठ के आई हुई है, और मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर देख के। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं विद फैमिलीज़। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी जो बहुत ही अहम बात है कि कराची की रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं घरों से विद फैमिलीज निकल रहे हैं, और आज जो रौनक लगी हुई है ये आखिरी दिन है, और यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सिंध का म्यूज़िक इन्जॉय करेंगे, सिंध का कल्चर इन्जॉय करेंगे। सिंध मिनिस्टर्स यहाँ पर आए हुए होंगे और हम उनसे भी बात करेंगे। मेरे पीछे देखिए जनाब, ये कितनी खूबसूरत हाथ से दस्तकारी हुई हुई है, ये हाथ की बनाई हुई चीज़ें, इट्स ब्यूटीफुल, क्या कलर्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन है। और ये वो ख़वातीन हैं जो घर में बैठ के काम करती हैं, घर से काम करके लेकर आई हुई हैं। ये देखें छोटी छोटी कोठियाँ, और पैसे भी इनके बड़े मुनासिब हैं, बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही अच्छा है, पैसे भी इतने यू नो रीज़नेबल हैं कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर रौनक लगी हुई है मेरे पीछे। अच्छा ये क्या चीज़ है, वाओ, ये तो लट्टू हैं, ये जो हम बचपन में देखा करते थे, मैंने तो बचपन में ही देखे थे, खूबसूरत, और ये तरह तरह के वेरिएशंस के साथ हैं। ये लट्टू है ना, इन्हें कैसे चलाया था, ये देखें अभी कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है ये कोई सिंध में कोई जो मॉडर्न दुल्हन है ना वो भी पहन सकती है इसको, ऐसे ही है ना। अरे दुल्हन आजकल मॉडर्न है, आजकल फैशन कल्चर सब चेंज हो रहा है, तो ये हमने बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें सारी अच्छी लगी हैं, मैं चाहती हूँ ये सारी ले जाऊँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। तो अच्छा है घर लेके जाए बंदा, डेकोरेशन के लिए यूज़ करे, घर की एक डेकोरेशन अच्छी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, अच्छा इवेंट है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। आप यहाँ पर फैमिली के साथ आई हैं, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आके? अच्छा, अपने कल्चर से अवेयरनेस हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, होने चाहिए, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। भाई हमने इनको प्लेस में देखा है सबीना साहिबा को, और हमने आज यहाँ पे पकड़ लिया है इनको। जी मुझे पकड़ लिया है इन लोगों ने, तो मैं आई थी, बहुत ज़बरदस्त एक फेस्टिवल है, और कल्चर को प्रमोट करना तो हमारा एक मकसद होना चाहिए, चाहे हम पंजाबी हों, सिंधी हों, बलोची हों, पश्तून हों, कोई भी हों, तो कल्चर तो हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उससे अलग तो हम हो नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओ तेरे पा
दे साया ने चवा चवा दे साया ने रो रो रही वन रात बंबू उठ तेरा आरी है जाया मैं जाओ रोवा तू बठया दे अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर, ये बहुत ही खूबसूरत इवेंट सजाया गया जो रौनक बढ़ा रहा है कराची की, क्या कहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? ये क्राफ्ट फेस्टिवल जो सकाफती मेला कह लें, जो जुल्फकार शाह साहब जो मिनिस्टर कल्चर हैं उनकी उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे लगाया है 3 दिन से, और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर विज़िट किया, जिसमें हमारे बहन भाई बच्चे बुजुर्ग सब लोग आए हैं, और रात तक आज भी चलेगा। म्यूज़िकल इंटरटेनमेंट भी है, बच्चों के लिए और इंटरटेनमेंट भी हैं, तो ये। और फिर यहाँ पे आप देखें दूर दराज से लोग आए हैं जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, और जो उनका हुनर है वो बाहर आ रहा है, वो जो टैलेंट है उनका उसको लोग आके देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी यहाँ पे हो रही है, ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। शहरी और देही आपको यहाँ पर एक मिलाप नज़र आएगा, तो एक इट्स गुड, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम को। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम। बहुत ही खूबसूरत इस इवेंट को सजाया गया है, बनाया गया है। मैं देख रही थी कि सिर्फ कराची के लोग ही नहीं बल्कि फॉरनर्स भी यहाँ पर हैं, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए जो बाहर जाके बताएंगे लोग पाकिस्तान के लिए, तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। सो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखें, आज आप देखेंगे कि UAE के एम्बेसडर भी आ रहे हैं, और काफ़ी मुल्कों के एम्बेसडर आ चुके हैं यहाँ पर, और कुछ आज आ रहे हैं। कराची एक हब बना हुआ है इंटरटेनमेंट का, जहाँ पे हमने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया, और आप वहाँ भी मौजूद थीं, और बोल चैनल हमेशा कल्चर का एक सॉफ्ट इमेज है, और ये इमेज आप देखें पोर्ट्रेट पूरे वर्ल्ड को करता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फेस्टिवल होने से हमारा कराची लीड करता है सबसे ज़्यादा, और जो ये आर्टिजन्स आए हैं पूरे सिंध से, पूरे कराची, और पूरे जो जितने भी हमारा लाड़काना से लेके कराची तक, और कराची से लेके कश्मीर तक, मैं समझता हूँ कि जो मिडल मैन है, जो लेने वाला, जो अपना फ़ायदा कमाता है, वो निकल गया है, और ये खुद फॉरेनर्स हो गए या यहाँ पे जो जितने भी लोग बुटीक्स हैं उनसे लेने वाले, वो डायरेक्ट हो गए, तो इनके मौके भी बढ़ गए हैं, और हमारा क्राफ्ट पूरी दुनिया में वैसे ही मशहूर है। सो जनाब, आज आपने मेरे साथ घूमा सिंध कल्चर फेस्टिवल, यहाँ पर देखा ट्रेडिशन सिंध का क्या है, यहाँ पर हम मिनिस्टर्स से भी मिले, हमने लोगों से भी मुलाकात की, उन खवातीन से मुलाकात की जिन्होंने हाथ से दस्तकारी की हुई थी, ब्लॉक प्रिंटिंग देखी जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, हमने गाना भी सुना, एक राग भी सुना, और मेरे पीछे इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये सारी हैंडमेड क्रॉकरी है जो कि इस्तेमाल होती है आज भी मॉडर्न घरों में, भी इसको रखा जाता है, सिंध के कल्चर को रखा जाता है, और अल्लाह करे कि सिंध की रौनकें जो हैं वो हमेशा ऐसे ही बहाल रहें, सिंध हमारा ऐसे ही जो है वो आबाद रहे, और हर साल इसी तरीके से कराची में सिंध कल्चर फेस्टिवल की रौनकें लगती रहें, बरकरार रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर मुलाकात होगी आपसे एक और जगह, एक और नए चीज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड वॉज लवली, जो हालांकि आपने जो दिखाई ना बड़ी खूबसूरत है, हाला हो, हर पार्कर हो, हैदराबाद हो, कराची हो, जैसे सोनिया ने कहा वैसे ही हम भी कहेंगे कि सिंध सदा खुशहाल हो जाए, सिंध सदा तरक्की कीजिए, और इसी के साथ हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखेंगे और प्रोग्राम में क्या क्या बाकी है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और क्या हम एक बार फिर तैयार रहें एक और अपसेट के लिए? आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का दूसरा मैच है, खुदा ना खास्ता आज भी बारिश होती है, या आज भी डकवर्थ लुइस मेथड आता है, या आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेलता है, तो फिर ये सीरीज़ तो भूल ही जाए। वैसे हमने बात करनी थी चैम्पियंस ट्रॉफी की, लेकिन यार ठीक है, अब इंडिया भी कह रहा होगा पहले आप जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे से तो जीत जाएं, उसके बाद आप उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह का सोचिएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि चैंपियंस ट्रॉफी में यू नो ट्रॉफी टूर ख़त्म हो चुका है, भारत जो है जिद पे है, बट देर हैज़ टू बी सम सैनिटी नाउ इन आवर क्रिकेट नाउ, इट्स इनफ इज़ इनफ। बहुत हम तकलीफ़ से गुजर चुके हैं हमारे क्रिकेट फैंस, और आप सोच नहीं सकते थे, चलिए एक आधा कभी मैच हार गए जिम्बाब्वे से या तो फिर ठीक है, लेकिन
पिछले दो सालों में इतनी ज़्यादा खराबी हो चुकी है कि हम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, हम अभी जिम्बाब्वे से हार गए, तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसे में बार बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर फॉल्ट्स क्या हैं, इशू क्या आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो करेंगे यार, बात वो मसला नहीं है, वाकिफ नहीं है, लेकिन इशू सॉर्ट आउट नहीं किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं हो रहे सॉर्ट। के खिलाड़ियों को माँ बाप ने बाबर को कर दिया बाहर, कर दिया बाहर, जीत जाए, वो भी नहीं हो रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अवेस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवेस भाई, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का आज दूसरा वनडे है जिम्बाब्वे से और बहुत ही एक्साइटमेंट है हमें, आज डू और डाई की सिचुएशन है, पाकिस्तान को आज जीतना है। कभी दे यूज टू बी अ ब्रेड और ब्रेड एंड बटर फॉर अस, लेकिन अब हम इनके साथ भी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। अवेस भाई, क्या उम्मीद है आपकी आज के दूसरे वनडे से? हाँ, देखिए अनफॉर्चुनेट है कि आप पिछला मैच हारे हैं, बल्कि वो कहते हैं ना पाकिस्तान टीम इसीलिए जानी जाती है कि एक जगह से आप खुशी देते हो पाकिस्तान को, जो हजम अभी हो नहीं रही होती, तो आप अचानक एक हार्ट अटैक दे देते हो कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, इसलिए आप टीवी ना देखें। ये सूरत हाल हमारी कहीं ना कहीं टीम की बनती है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी आपकी पिछले मैच के अंदर, ये आपको शायद मैंने आपके प्रोग्राम में, बहुत से प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 140 चेस कर रही थी, वो लो स्कोरिंग टोटल था। लो स्कोर टोटल की बात करें तो बहुत कम ऐसे होता है कि लो स्कोर टोटल के अंदर आपकी टीम जो सी हैं वो मुश्किलात में होती हैं, कुछ बहुत कम होता है कि वन साइडेड मैच हो आपका जो सा आपको ज्यादा नजर आए या आपको चेज करते थोड़े से मुश्किलात हो, ज्यादातर इजीली चेज होता है। लेकिन जब 200 स्कोर पड़ेगा पाकिस्तान को, 250 पड़ेगा, जब चेज करना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान की इतनी सख्त है वो आपको बैटिंग ऑर्डर के अंदर नजर आ गया, क्योंकि जिस वक्त आपने 200-250 चेज करना है तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको पावर प्लेस के फायदा उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट वही इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स की बात करें, ज्यादा फ्रीक्वेंट आपके स्कोर हो नहीं रहा। उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात करें, मिडल ऑर्डर आपका इतना सॉलिड लगता नहीं है आपको। आज थोड़े से आपने चेंजेस किए हैं, तैयब ताहिर को आप लेके आए, थोड़ा अग्रेसिव खेलने वाला लड़का है, लेकिन क्या बाहर से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने अग्रेसिव जाके अंदर खेलना है? क्योंकि मैंने फिर कहा आकिब जावेद का कुछ और अपना, आपको पता है यहाँ पर आकिब भाई भी कह चुके हैं कि स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा मेंटेन नहीं करता, स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है भाई पूरी दुनिया, आप देखें स्ट्राइक रेट तो गांव पर जा रही है। T20 के अंदर 300-300 स्कोर हो रहा है, 225 स्कोर हो रहा है, आज भी हम वहां पर ही बैठे हुए हैं कि हम लोग 140-130 करके खुश होते हैं। वनडे की बात करें, वनडे में 350 स्कोर होता है, आज भी हमारी टीम वही 225 के ऊपर टिकी हुई है। तो आपको इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। 3-3.5 महीने रह चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी तक यही सूरत हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 की जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा वो कौन होगा, जो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक बात आ जाती है। दूसरी टीमें 5-5-6-6 महीने पहले, साल पहले पता होता है कि लड़का खेलने वाला है, हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही कि कौन सा लड़का कौन सा जगह पर सेट होगा। क्योंकि आपके पास जो स्पेसिफिकली मिडल ऑर्डर की बात करूं जहां पर आपको फायर पावर चाहिए, आपके पास फायर पावर वाले लड़के नहीं है, और ये अनफॉर्चुनेट एक ट्रूथ है, आपको मानना पड़ेगा। आपके एक्स क्रिकेटर्स भी इस चीज पे कह चुके हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोई लड़का प्रोड्यूस ही नहीं किया जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जोन सी उसके ऊपर टेक्निक पे चल सके। अच्छा, वैसे अवैसे आखिर हो क्या रहा है? पहले इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई, फिर ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज हराई, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में ही हुआ कि जिम्बाब्वे से हार के बैठ गए हम। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ आप अच्छा खेलें, क्रेडिट आपको ठीक है जाता है, लेकिन हमारा एक छोटा सा एक मसला है ना कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम लोग सिर्फ एक चीज याद रखते हैं कि जी एक बंदे ने आके कहा स्पिनिंग ट्रैक बना दो, ग्रॉस उड़ा दो, स्पिनर्स ले आओ, देखते हैं जी टीम कैसे जीतती है आपकी। आपने चले वो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा किया, आपने जीत गए। अगर मैं डोमेस्टिक की सूरत हाल बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में जो कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है, क्योंकि आपने यहीं से लड़के निकालने होते हैं ना, जो फायर पावर की मैं बात कर रहा हूँ, या आपने निकालने होते हैं लड़के जो आगे जाके स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं। आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने ग्रास को उड़ा दिया। आप इस वक्त डोमेस्टिक की अगर बात करें तो डोमेस्टिक के अंदर आपने ज्यादातर ग्रीन टॉप विकेट्स रखी हैं जहां पर बॉलर्स परफॉर्म करें, बैट्समैन आपके तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ये जो डुअल स्टैंडर्ड है मुझे इसलिए तो समझ में नहीं आती, पाकिस्तान क्रिकेट आखिर जा किस तरफ रहा है? आप अगर बात करें इंडिया की, बात कर लें आप ऑस्ट्रेलिया की, बात करें आप इंग्लैंड की, बात करें इनके पास फायर पावर क्यों आ रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक में और खास करके यूथ क्रिकेट में उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडियन टीम की आप बात करें, अभी आप लड़के उनके उठा के देख लें जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त भी दी है, उनके T20 के प्लेयर्स आप देखें उनका डोमेस्टिक में और खास करके U19 के अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंसेस लेके आते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लड़के, इसलिए तो निकल रहे हैं वहां से। हमारा मसला ये है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और दिखाते हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ और दिखाते हो। भाई आपने बात करके ना मेरा जख्म छेड़ दिया। ग्रास रूट लेवल की अभी एक ट्रॉफी हो रही थी और उसमें जो वहाँ पे लड़कों को रिहाइश दी हुई थी और जो वॉशरूम्स थे ना, वो अगर हम दिखा देना यहाँ पे तो फिर सब पता चल जाएगा कि हम कितना तैयार हैं होस्ट करने के लिए। छोड़ें उस बात को। अच्छा, आई वॉन्ट टू पिन पॉइंट समथिंग ओवर हेयर।
प्रेशर से किस तरह निकलना है अब हमें सीखना होगा बाकी टीम से। एंड आई हेट टू कंपेयर बट नाउ आई हैव टू कंपेयर विद इंडिया। पहली इनिंग्स में जब इंडियन चिप्स वर डाउन उस वक्त मेरे ख्याल से 6 या 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ऋषभ पंत ने उस वक्त निकल निकल के मारना शुरू कर दिया था और उसकी ही इनिंग्स की बदौलत फिर आगे लीड भी मिली और सारी चीज़ें। पहले मैच में मैं इस वक्त डिसमिसल सारे देख रहा हूँ, सारे डिसमिसल्स एक वनडे टूर्नामेंट में हम रोकने पे जा रहे हैं, सिकंदर रजा को नहीं खेल पा रहे। बस सिकंदर रजा मुरलीधरन थोड़ी है, फॉर गॉड सेक यार। मैंने आपको यही कहा ना, जब आपका माइंडसेट जो है वो बना हुआ ही नहीं है अग्रेसिव क्रिकेट की, जब आप बात करते हैं मसला सारा का सारा हमारा क्या, हमारी अप्रोच क्या है। चले अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, बहुत से लोग मुझसे नाराज होते हैं कि जी साइम अयूब के बारे में आप क्यों कहते हैं, साइम अयूब को तो अभी दूसरा तीसरा वनडे खेलने में हुआ। यार कितने टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि उसकी शॉर्ट सिलेक्शन और खास करके जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं आखिरकार वो चाह क्या रहे हैं। इतनी बड़ी पलंगा तो केस स्टडी का बन गया, फिर भी आपने उसको अपने साथ रखा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, ठीक है जब अब्दुल्ला शफीक का स्टांस ऐसा है लिटरली अगर वो किसी अंडर 19 या पाकिस्तान में किसी भी ट्रायल के लिए जाए ना तो बंदा उसका स्टांस देखे कि हाँ यार ये लड़का सेलेक्ट होने वाला है, लेकिन जब आप इन डेप्थ जाके देखते हो तो उसकी इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। मसला ये है कि हम लोग लड़के हमारे पास डोमेस्टिक में अगर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसका स्ट्राइक रेट 150 होता है 140 होता है, हम उसको पाकिस्तान टीम में लेके ही नहीं आते। मुझे पता है बहुत से लोग इख्तलाफात करेंगे, हारिस की अगर मैं बात करूं मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस आपको याद हो, मोहम्मद हारिस को हम लेके आए थे पाकिस्तान का, हमने एक उसको कैप्टन भी बनाया, हमने कहा ये 150 के प्लस अपना स्ट्राइक रेट से लड़का खेल रहा है, आप उसको अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया हारिस को। ये लड़कों को हर्ट करती है डोमेस्टिक के अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं आखिरकार आप लोग एक मैसेज हमें क्या दे रहे हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आती कि हमने खेलना कहाँ पर है जाके, हम जब 150 के स्ट्राइक रेट को भी टच करते हैं आप हमें ड्रॉप कर देते हैं टीम से। इसलिए डोमेस्टिक में जब आप PSL के अंदर आप करते हैं ना हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करते हैं, हाईएस्ट बैट्समैन की बात करते हैं, इसलिए इम्प्रोवाइजेशन डोमेस्टिक में भी लाने की जरूरत है कि हाई स्ट्राइक रेट बैट्समैन को क्या आप रिवॉर्ड देते हो। तब आई वुड लव टू टॉक मोर अबाउट हारिस, उनको जो ए टीम का कैप्टन बनाया था कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हुए, बट वी हैव शॉर्ट टाइम, इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले सेशन में जरूर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जिस तरह का फायर पार चाहिए, फखर जमान बाहर बैठे हुए, मोहम्मद हारिस को एक टीम का कैप्टन बनाया लेकिन वो चलते फिरते बोल्ड हो रहे थे वहाँ पे, वी हैव टू लुक इनटू द रैंक्स, वरना यही खुशी है पाकिस्तानियों की क्रिकेट वो भी हमसे छीन ली जाएगी खुदा ना खास्ता। अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, एक ब्रेक ले लेते हैं तब तक फैसल का कंसोल करेंगे हो जाएगा, एक ब्रेक लेते हैं। यही तो नहीं हो रहा अब, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट का आगाज भी हम कर रहे हैं, इस घंटे का आगाज हम कर रहे हैं एक पॉजिटिव न्यूज के साथ। क्या है वो? वो है खेल के मैदान से। अच्छा। खेल के मैदान से आपको अच्छी खबर शेयर करते चलें कि थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सक्कर से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में 2021 में मिस्टर सिंध का टाइटल जीता था, उसके बाद साउथ एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 3रा नंबर हासिल किया और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौम की नुमाइंदगी की, जहां उन्होंने 2 सोने और 1 चांदी का तमगा अपने नाम किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अवान, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपने थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता, क्या जज्बात थे, कैसे सेलिब्रेट किया आपने इस खुशी को? बहुत खुशी हुई मुझे क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, सखर में रहता हूँ, तो छोटे स्टेज बहुत खेले मैंने वैसे, और ये बड़ा स्टेज मेरी लाइफ में पहली दफ़ा आया, तो बड़ी मुश्किल भी पेश आई मुझे इसके अंदर क्योंकि मेरी डाइट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस हिसाब से मुझे बॉडी भी बड़ी करनी थी और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना किया और आना जाना थोड़ा मुश्किल भी हुआ, उसके अलावा फिर वहाँ रहना अपनी डाइट करना बहुत बहुत टफ था। तो मेरा एक शौक था, मेरा एक जुनून था कि मैं बड़े स्टेज पर जाऊँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और अपने मुल्क का मैं झंडा उठाऊं पाकिस्तान का, मेरे एक जुनून था शुरू से। तकरीबन 18 साल हो गए हैं इस फील्ड में हूं मैं। अच्छा। तो मुझे शुरू से एक बहुत शौक था कि मैं बड़े स्टेज खेलूं और बाहर मालिक वाले भी आए खेले मेरे साथ,
तो अपने आप में मैं मुतमिन बहुत होता हूँ। मैं जब भी तैयारी करता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, सबसे बेहतर मैं ही हूँ। तो मेरी ये मेरा अंदर मेरे वो ये होती है, फीलिंग होती है। तो माशाल्लाह मैंने इस मुकाबले के अंदर 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो 3 कैटेगरी थी और तीनों कैटेगरी में मैंने जीता है ये। तो वैसे सक्कर साइंग सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, नॉट दैट स्मॉल सिटी। बट अच्छा, थाईलैंड में होने वाली जो बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है वहाँ आप गए। प्रॉब्लम इज़ एक बार फिर वही तमाम तर मामला, खुद एहतमाम किया, किसी ने आपकी कोई सपोर्ट नहीं की फ्रॉम द टिकट टू द स्टेज। सिंध स्पोर्ट ने यहाँ पर हमारे असरान मेरे उससे दो हफ्ते हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तो उसने हमें सारे ऑप्शन रखे थे कि मैं आपको टिकट वगैरह भी देता हूँ, वहाँ पर फीस भी पे करता हूँ, पर वो मेरे मामला हो चुके थे क्योंकि मेरे काफ़ी सारे IBA के दोस्त हैं, तो उन लोगों ने ये काम कर दिया था मेरा ना, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरे इतने वसाइल नहीं है, अगर आप लोग करें तो इंशाल्लाह मैं जीत के भी आऊँगा। तो मेरे पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी टिकट हो चुकी थी, वहाँ पर मैंने फ़ीस भी पे कर दी थी, वहाँ पर मेरे सक्कर IBA के लोगों ने किए ये कि अरसलान साहब ने हमें पूरी सपोर्ट की। फर्स्ट टाइम गए उसके पास, उसने कोई मना ऐसी बात नहीं की जो हम लोगों ने उसको बोली, उसने किसी बात पे ना बोली हो। अच्छा, वैसे एक एथलीट को फिट रहने के लिए जाहिर सी बातें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके लिए फाइनेंस भी देखना करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो आपको क्या सामना करना पड़ा माली मुश्किलात का, और आपके साथ सक्खर मेयर सक्खर और दीगर शख्सियात का भी रवैया कैसा रहा, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुश्किलात तो वही थी जो मेरी शुरू में हुई है। तो अभी मेयर साहब ने बोला है कि आप कोई भी कंपटीशन होगा इंशाल्लाह उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। अच्छा, सिंध में बेपनाह टैलेंट है, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है, सिंध में बेपनाह टैलेंट है, ये बताइए आने वाले एथलीट्स को क्या मशवरा देंगे, किस तरह इस खेल में अपना मकाम बना सकते हैं? मशवरा यही है, फिलहाल वो अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बाहर की चीज़ों से बचें वो लोग, तो तकरीबन ये बेहतर है। ये तो ये गेम सबसे अच्छा गेम है, क्योंकि आप कोई भी गेम उठा के देखेंगी ना, आप क्रिकेट भी देखेंगी, कोई भी दुनिया गेम उठा के देखेंगी, जिम का वर्कआउट नहीं करना हो तो ये है इसके अंदर, क्योंकि जिम बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे यूसुफ, थाईलैंड में जो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया था उस पर कोई इनामी रकम भी रखी गई थी, और वो रकम आपको मिली थी, आप तक पहुँची थी? नहीं, वो तो अभी तक नहीं मिली मुझे, क्योंकि वहाँ पर हर टाइटल पे $2,000 थे। तो वहाँ पर मैंने 2 कंपटीशन मैंने विन किए थे, क्लासिक फिजिक और मेन फिजिक, ये मेरे हर टाइटल पे $2,000 थे, मेरे $4,000 बन रहे थे, और उसके अलावा सेकंड के ऊपर जो था वो तकरीबन $1,500 था। तो ये तीनों टाइटल मैंने वहाँ पर ना विन किए, 2 गोल्ड मारे 1 सिल्वर मारा, मेरे तकरीबन $5,500 थे। और मैंने उन लोगों को बोला, मैंने बोला क्योंकि मैं ऐसे गया था उनके पास कि मैंने बोला सर ये मेरा जो हक है आप मुझे दें, तो वो कह रहे थे कि इसके पास जाओ। तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बाहर गया था, तो कोई सरबराह भी ऐसा नहीं था जो उससे जाके बात करे वहाँ पर ना। तो मेरी खुद भी कंडीशन, क्योंकि हम लोग जब डाइटिंग करते हैं, परहेज़ करते हैं, हम लोग ना थोड़े वीक हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो दिखने में तो अच्छी होती है, पर हम लोग अंदर से जो है ना हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। 50-50 घंटे पानी बंद करना, और उसके अलावा हम लोग ये डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी वैसे भी इतना कोई सिग्नल नहीं देती, हम किसी की ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टफ डाइट होती है, काफ़ी महीनों से हमारा मीठा बंद होता है, नमक बंद होता है, तो इस हवाले से। तो मैंने उनको बोला था, मैंने बोला ये आप लोगों ने लिख के दिया है तो आप हमें दें ये, तो कोई इन लोगों ने सिग्नल नहीं दिया, वो कह रहे थे इससे। अच्छा, तो तकरीबन $5,500 की रकम जो फ़िलहाल आपको नहीं मिली है वहाँ पे, तो किसी हुकूमती अहदेदार, खेलों की वजारत या थाई सफारतखाना है, आपने वहाँ किसी से रब्ता है, किसी ने आपकी कोई मदद की अभी तक? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं की, क्योंकि कंपटीशन के बाद हर कोई अपने किसी ने भी नहीं की वहाँ पर ना। तो मैं तकरीबन इसके आश्रय में गया था, क्योंकि मैं लोगों से उधार मांग के वहाँ पर पहुँचा था, कि काफ़ी लोगों ने मदद भी की, और वहाँ पर जाके मैं तकरीबन, मुझे उम्मीद थी कि मैंने बोला अगर मैं 3 कैटेगरी खेलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से जीतूँगा ज़रूर। तो अल्लाह का इतना एहसान हुआ मेरे पर, अल्लाह ने इतना शुक्र किया मेरे पर, तो वहाँ पर 2 टाइटल, 1 में 2nd आया, तो बहुत खुशी थी। मैंने बोला टाइटल भी जीत गया, मैंने बोला पैसे मिलेंगे, जब पैसों की बारी है तो भाग गए सब। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, भगवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और टैलेंट बेपनाह है, सपोर्ट की उसको ज़रूरत है,
तो लेट्स सी सपोर्ट मिलती है नहीं। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं जी, अब हम जाएंगे ब्रेक में। अच्छा, ब्रेक के बाद जो है ना वो कहीं जाना नहीं है, जल्दी से चाय बनाए, वापस आ जाए, हमारी चाय आ गई, हम खत्म हो गई, मैं जाऊं बुला के ले आऊं? नहीं, आप अपनी बैठे, आपकी आ जाएगी। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब बात हो जाए वेदर अपडेट्स की। आज 26 नवंबर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में स्मॉग और धुंध के बादल छाए रहने की तवक्को है। सुबह भी यही सूरत हाल थी और एक बार फिर स्मॉग में इजाफा देखने को मिल रहा है। अहम शहरों के टेम्परेचर की बात करें तो कराची में आज मिनिमम दर्ज हरारत जो है वो 20 और मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हैदराबाद में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। मीरपुर खास की बात करूँ तो मीरपुर खास में मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री तक जाएगा। लाड़काना अगर ले चले आपको तो लाड़काना में मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको गवादर की जानिब। गवादर में मिनिमम टेम्परेचर एज यू कैन सी 22 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री तक रहने का इम्कान। चलते हैं क्वेटा की जानिब। क्वेटा में मिनिमम टेम्परेचर 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री तक जाने का इम्कान। बात करें मुल्तान की अगर तो मुल्तान में मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अलबत्ता लाहौर में आज ठंडी हवाओं के साथ मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक रहेगा। फैसलाबाद अगर बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री तक रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। उधर ही ज़रा सा पड़ोस की तरफ जाएं मरी की जानिब तो मरी में बादलों के साथ मिनिमम टेम्परेचर 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री तक जाएगा। पेशावर में जबकि मिनिमम टेम्परेचर 8 होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बात कर लेते हैं मुजफ्फराबाद की तो मुजफ्फराबाद में मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और स्कर्दू में बादल छाए हुए हैं और जबकि आज मिनिमम टेम्परेचर -2 और मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री तक रहने का इम्कान है। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। फैसल, ओवर टू यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सोनिया फॉर द वेदर अपडेट। चलिए अब हमारी दुनिया बोले के प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है कि हेल्थ के हवाले से बात करें। हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे टबूज़ हैं जिन पे हम बात नहीं करते। हेल्थ रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कहीं ऐसी वीडियो देख लेते हैं, कहीं वैसी वीडियो देख लेते हैं और फिर हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि क्योंकि ये ऐसे ठीक हुए थे तो हम भी ऐसे ठीक हो जाएंगे। जनाब अली, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंसर टुडे। और एक ऐसी बीमारी जिसको सिर्फ आप डायग्नोज होते हैं, सुनते हैं, आप और आपके जो केयर टेकर हैं वो आधे तो वहीं पे अपनी हिम्मत हार देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से लोग जो कर सकते हैं वो जाते हैं, कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं ठीक होते, तो उसके बाद फिर वो चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो उन्होंने किसी से सुन लिया, किसी की वीडियो देख ली और अब वो कह के चले जी हम करते हैं इस तरीके से। मोस्टली फैसल वो हर्बल होते हैं और ऑर्गेनिक उनकी बेगम थी, स्टेज 4 कैंसर थी, उनको शिकस्त दी और फिर वो एक पूरी लिस्ट बताते हैं कि सुबह उठ के मैंने ये किया और ये किया। उस तमाम तर चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये नहीं थी कि उन्होंने नीम के पत्ती, तुलसी, लौकी, अनार और चुकंदर क्या कुछ किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो सुबह उठ के अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे थे। सिद्धू एज अ केयर टेकर उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि वो अपनी पेशेंट के साथ लगे रहे। तो इसी सब पे हम जो है वो बात कर लेते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नैला जायद हमारे साथ, प्रोफेसर डॉक्टर नैला जायद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, प्लेजर ऑल आवर्स। सो टुडे हम बात कर रहे हैं रिसर्च्ड methodology of treating a disease versus
हमने यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, इसके अर्क निकाल के इसमें पी लो तो डेंगू ठीक हो जाता है, इसका फला करके इसका फला कर लो तो ये ठीक हो जाता है। बताइए कि ये चीज़ कितनी ठीक है या कितनी ख़तरनाक है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये है कि कैंसर एक मोजी मर्ज है, हमें ये नहीं भूलना है। और हम जो ट्रीटमेंट मेडिसिन में कहते हैं, हम इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके लिए कोई एविडेंस मौजूद है, यानी सबूत मौजूद है, कोई स्टडीज़ हुई हैं, 1000-2000 मरीज़ों में वो दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं। फिर पहले ये मालूम किया जाता है कि उसके नुकसान बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पहले ये डोज़ ढूंढी जाती है जिस पे कि नुकसान कम से कम हो, फ़ायदा ज़्यादा ज़्यादा हो, फिर उस डोज़ को, यानी ये ट्रायल्स होते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिर उस डोज़ को उस कैंसर में इस्तेमाल करके उससे कितना फ़ायदा हो रहा देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, कैंसर में कमी कितनी आ रही है, फिर देखते हैं कि कितने अरसे तक कैंसर को बढ़ने से रोक रहे हैं, फिर ये देखा जाता है कि ओवरऑल सर्वाइवल कितना बढ़ रहा है, 5 साल बाद कितने लोग जिंदा हैं। इतनी रिसर्च के बाद वो एक ट्रीटमेंट जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये कहनी है कि उस ट्रीटमेंट को हमने नहीं छोड़ना है, उसको हमें डिले नहीं करना है, चाहे किसी भी स्टेज की बीमारी हो तो उसको हमें डॉक्टर के हिसाब से चलना है। दूसरी चीज़ जो है, जो साइड की चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर वो इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो, क्योंकि एक आदमी बहुत डिप्रेस हो जाता है जब उसको कैंसर का पता चलता है, और जब डिप्रेशन होता है ना, बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, आपको हर तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं, साइकोलॉजी जो है ना वो साइकोलॉजिकल बड़े इफेक्ट्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो वो फिर ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेन ट्रीटमेंट होता है उसमें डिले आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा ये कि ज़ाहिर है अच्छी डाइट में अच्छी प्रोटीन्स वाली डाइट हो, और जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं चीज़ें वो हों, इवन उसमें हमारी हल्दी भी शामिल है, विच इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, हल्दी, दूध वगैरह, ये तरह की चीज़ें, इट्स नॉट प्रूवन बाय साइंस, लेकिन दिस इज़ अ गुड डाइट जो कि आपके कैंसर के अलावा हर चीज़ में अच्छी है आपके लिए, तो एक अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बोल ब्रेकिंग न्यूज़ पे लाइव हैं फेसबुक पेज पे, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क। सोनिया, नाउ मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन एक बात है कि जब ये सारी रिसर्च तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद आई ना, रिसर्च सारी चीज़ें मेडिसिन एंड ऑल, लेकिन इससे पहले के जो लोग थे, तो डॉक्टर साहिबा वो तो यही किया करते थे ना, हर इलाज जो है वो ऑर्गेनिक शहद ले के, कच्ची हल्दी और नीम के पत्ते, दवाओं में हकीम थे, मतलब देखिए तो वो जो चीज़ें हैं अगर आज के इस्तेमाल में आप देखें तो लोगों को वो फ़ायदा करती हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर चीज़ों को हम बैलेंस लेके चलें कि हम ये वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करें और जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, चाहे वो कोई थेरेपी है या मेडिसिन है, उनका भी इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा देखिए, जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी हैं वो ओरिजिनली प्लांट्स से ही भी आ रही होती हैं, जैसे हमारी पैक्लिटैक्सल एक दवाई हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो एक हर्ब से आती है, लेकिन अब आप उस हर्ब को इतना सारा इस्तेमाल करें या आप इतना सा इस्तेमाल करें, तो आपको पता होना कि एग्जैक्ट किस डोज पे उसका फ़ायदा मैक्सिमम है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हैं। तो ये चीज़ हमें साइंस से पता चलती है ना, जब हम 1000 मरीज़ों को एक दवा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनमें कितनों को रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे हमें पता चलता है। तो सबसे जो ओल्डेस्ट कीमोथेरेपी दवाइयां हैं वो डॉक्सोरुबेसिन है, सिस्प्लैटिन है, ये तो 100 साल से चल रही हैं, ठीक है। फिर ये नई दवाइयां, अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो टारगेटेड थेरेपी, ये जो दौर है ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन का दौर है, यानी कि हम कैंसर के ऊपर मार्कर्स भेजते हैं, मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। रेडियोथेरेपी नहीं, मेडिसिन ही हैं, लेकिन उसके अंदर फिर वो डिफरेंट म्यूटेशंस मिलते हैं, उनको टारगेट करने की दवाइयां मौजूद हैं, और उसकी वजह से लंग कैंसर जैसे मर्ज जिसमें लोग एक दफ़ा चौथी स्टेज की बीमारी होती थी तो 4 महीने से ज़्यादा नहीं जीते थे, अब सालों साल जी रहे हैं, और वो एक क्रॉनिक बीमारी की तरह वो गोली खाते हैं अगर उनके अंदर वो म्यूटेशन होती है, और वो माशाल्लाह अपना नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वो चीज़ है जिस पर हमें एड्रेस करना है, बहुत से लोग आम फैम जो घर में बैठे लोग हैं, खातिन हैं, देखो उसको 10 साल जी गई, हमारे वाले को देखो बेचारा 2 महीने सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है वो ये जो लकुना आता है अवेयरनेस का, इसी का फ़ायदा फिर झाड़ फूंक और बाकी लोग उठाते हैं ना। आपने बात की द डाइट एंड ऑल, सिंस उन लोगों को जिनको एक्सपीरियंस है इसका, आई हैव बीन थ्रू दिस, माय फादर वाज डायग्नोस्ड स्क्वामस सेल जबड़े का कैंसर, तो उसमें बहुत उनका रिमूव हुआ, खा नहीं सकते थे, फिर पाइप लगाना पड़ा एंड ऑल दैट, तो इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी मुश्किल है।
कहा जाता है कि कीमोथेरेपी के दौरान, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान मरीज का अपना बाहिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक या ऑफ ग्रिड, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा, जब मरीज़ कीमोथेरेपी से जा रहा होता है उसी को पता होता है, जब कहते हैं कि हिम्मत बहुत करनी होती है, क्या मतलब होता है उसका, वो किन चीज़ों से गुजर रहा होता है, प्लीज़ हमें बताइए ताकि जो केयर टेकर्स हैं उनको भी पता चल सके कि आप तो हेल्दी हैं लेकिन जो आपका पेशेंट है वो किस चीज़ से गुजर रहा है। ऑब्वियसली कीमोथेरेपी का वर्ड सुनते ही मरीज़ भी बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है और उससे ज़्यादा उनकी फैमिली भी खौफजदा होती है। तो पहला काम, सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है ना, वो फैमिली से मिलती है। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि मरीज़ से ज़्यादा फैमिली डरी हुई है, तो जब फैमिली डरी हुई है तो मरीज़ को क्या सपोर्ट देगी। दूसरा ये कि कीमोथेरेपी के जो पहले साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे, मैं कहूँगी पिछले मिलेनियम में, बिफ़ोर 2000, हम सबसे ज़्यादा बड़ा मसला मतली होती थी, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती थी कि लोग कहते थे हम मर जाएंगे लेकिन हम ये नहीं कराएंगे। अब हमारे पास नई इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि बराए नाम किसी को मतली उल्टी होती है। दूसरा, उसमें जो खून की कमी और इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी एज के साथ बढ़ता है, तो उसमें भी डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ की एज के लिहाज से डोज और सारी चीज़, तो वो भी अब बहुत कम हो गया है। तो इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि कीमोथेरेपी से डरना नहीं चाहिए। जब एक चीज़ आपको करानी है, जस्ट एक्सेप्ट इट और बी अ फाइटर। आइडियली हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो इसमें पेशेंट्स को सपोर्ट करें, पेशेंट काउंसलर्स। लेकिन हम एक तो ये कि हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी है कि नहीं, हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, हम साइकोलॉजिस्ट के पास, हम पागल थोड़ी हैं। तो लेकिन वो अंदर ही अंदर मरीज़ खुद और उसका केयर गिवर भी बहुत सफ़र कर रहा होता है क्योंकि वो इतना स्ट्रेस अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि ज़रूर साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भी जब हम एडवाइस करें तो ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, उरुषा का एक सवाल है फेसबुक पर, और वो ये कि अगर कोई शुगर पेशेंट है और उसको अगर कीमो के पास कीमो के लिए जाना है तो अब क्या किया जाए, वो किस तरह, और कहा जाता है कि कीमो जब करा रहे हैं तो आप जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो प्लीज़ बस्ट दिस मिथ के क्या करना चाहिए इसमें। और इसको थोड़ा सा अगर मैं ब्रॉड भी कर दूँ, फ़र्ज़ कीजिए अगर एक पेशेंट है वो कीमो के लिए आ रहा है, उसको मल्टीपल दूसरी चीज़ें भी हो गई हैं, तो आप लोगों का वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, पहले उसको सबसाइड करेंगे फिर कीमो करेंगे, कीमो करना लाजमी है, सेल डेवलप हो रहे हैं, पहले कीमो करेंगे उसको सबसाइड करेंगे, क्या करेंगे? देखें, अगर मैंने कीमो शुरू कर दी और फौरन बाद ही उसका डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कोई और बीमारी बढ़ गई और फिर ट्रीटमेंट रुक गया, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए शुरू करने से पहले ही इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना होता है, डायबिटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल करवाना होता है। मेरे अपने जैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं बहुत, मैं अमूमन जो पहली कीमोथेरेपी होती है पेशेंट को इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट करके लगाती हूँ कि शुगर्स अगर बहुत हाई हो तो, क्योंकि हम जो साइड में मेडिसिन देते हैं उससे शुगर शूट करती है, तो हमें जब पता एक चीज़ होनी है तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए। इसी तरह कुछ लोगों को हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस के साथ अगर हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उनके लिवर एंजाइम्स ख़राब होते हैं, ट्रीटमेंट हम पहले ही उनको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भेज के लिवर के पैरामीटर्स को सही करा के उनको अपने साथ रख के ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास इवन डायलिसिस के पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी कीमो हो रही थी, तो उनके लिए हमें ये नहीं कि हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते, उन्हें भी हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब तो इतने लोग डायलिसिस पर साला साल जीते हैं, तो हम फिर उनके नेफ्रोलॉजिस्ट से कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई ये वाली दवा देनी है, ये हम डायलिसिस से पहले दें या हम डायलिसिस के बाद दें, तो हम उनसे टाइमिंग सेट करके तो करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोऑर्डिनेशन में रहते, कोऑर्डिनेशन में करना होता है, पूरा बोर्ड बैठता है बिल्कुल, वो जगह मुख्तलिफ वार्ड्स का वो दौरा करते रहते हैं। एक सवाल और आया है कि कीमोथेरेपी जो है वो चल रही है तो उसमें शुगर इनटेक हो सकता है कि नहीं लेना चाहिए, सही है या नहीं? अच्छा, ये मिथ है, कुछ इस पे एनेक्डोट्स हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि शुगर जो है वो कैंसर के को बढ़ाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ प्रूवन किसी स्टडी से नहीं है। और बेचारा मरीज़ पहले ही 10 चीज़ों से गुजर रहा है, हम उसको और वो कर दें कि उसकी शुगर बंद कर दें, तो आई डोंट एडवाइस दैट। मतलब दे कैन टेक स्वीट्स, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो है ये भी मिथ है कि जूसेस खूब ज़्यादा पीने चाहिए उसे ताकत आती है, जूसेस से कोई इतनी ताकत नहीं है, जूसेस में जो विटामिन्स हैं वो ऐसे भी विटामिन्स ले लें। और एक्चुअली क्या होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स जो हैं वो एक दिन भर में 3 तरह के जूस पी रहे हैं, ABC जूस भी पी रहे हैं, कोकोनट वाटर भी पी रहे हैं, और फिर क्या होता है उनका पोटेशियम हाई हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं हाई पोटेशियम का, विच इज़ डेंजरस टू द हार्ट। तो इसलिए बहुत इन लोगों को हमें ये भी समझाना पड़ता है, भाई अगर आपको जूस लेना भी है एक ग्लास जूस से ज़्यादा आपने नहीं पीना है, और अगर नहीं पियेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इतना ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, नकाश ये पूछते हैं
कि कौन से वो फूड सोर्सेज हैं या कौन से खाने आजकल जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा होता है? देखिए, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं कैंसर से, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग तो बिल्कुल बड़ी एविडेंट है, बड़ी सीधी सी बात है, जिसपे बहुत सारे स्मोकर्स बुरा मान जाते हैं, कहते हैं मरना तो है ही एक दिन तो आओ चलो. हाँ, बट इट मेक्स यू सो मिजरेबल ऑल्सो ना, और फिर जो उसमें खर्चा होता है. फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ मसला बना हुआ है वो है गुटखा, पान, तम्बाकू, नहीं छोड़ते लोग, दैट इज टेरेबल. तो तीसरी चीज़ जो है खाने पीने में अगर हम देखते हैं तो मेनली ये कि देखिए मोटापा जो है ना वो कैंसर के ख़तरे को बढ़ाता है, तो हमें अपनी डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत है कि मोटापा नहीं हो. दूसरा, ये बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे जो लोग हमारे, क्योंकि मीट ईटर्स बहुत ज़्यादा हैं, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है उससे कोलन कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते हैं. तो आपको सैलड्स जो फाइबर होता है उसको खाने का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कैंसर के ख़तरे को कम कर सकें. एक सवाल और आया है कि क्या गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कैंसर होने का सबब बन सकता है? इफ़ यू कैन ऐड अप टू दिस द फ्राइड आइटम्स, द बाहर वाले खाने एंड ऑल. अच्छा, देखिए गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा कि लोग खाली गोश्त खा रहे होते हैं, हाँ. तो दैट इज़ बैड. अब बिल्कुल गोश्त छोड़ देना भी सही नहीं है, क्योंकि उससे कुछ आपको B12 वगैरह मिलता है. तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट, आपके खाने में गोश्त भी हो, आपके खाने में वेजिटेबल्स भी हो, सारी चीज़ें, सैलड भी हो, सैलड भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा जो आप पूछ रहे थे, द फ्राइड आइटम्स, फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड थिंग्स, यू नो फ्राइड आइटम्स इन जनरल ही, एक तो उसके ऐसे मोटापा इतना होगा, तो फिर जाहिर सी बात है आपका बॉडी मास इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा आपको मुख्तलिफ कैंसर्स का, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होगा. तो इस वजह से आपको वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, जो बाहर के खाने हैं उसमें, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल कितना अच्छा है, हमें नहीं मालूम वो तेल कितनी मर्तबा फ्राई हो रहा है, कितनी मर्तबा फ्राई हो चुका है. उसके अलावा जो भी उसमें हमारे यहाँ जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी एक्सपायरी हुई है कि नहीं हुई है, यू नो, तो ये सारी चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल है. इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि ना बाहर का खाना इतना फ्रीक्वेंट होना नहीं चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और आई मीन इट रियली नीड्स टू बी चेक्ड ऑन. हाँ, वैसे डॉक्टर साहब, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं चाहूँगी आप ज़रूर बात करें कि खुदा ना खास्ता किसी को भी डायग्नोस हो गया, ठीक है, वो जो एक्सेप्टेंस दिलानी होती है ना जिसको हुआ है वो, और घर वालों को भी, वो जो एक पैनिक और क्योस हो जाता है, तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो किस तरह से दिलाएं, और जिनको, जिन्होंने सुन लिया है कि चलें अब ये हो गया है, तो फाइटर मोड में कैसे आएँ, वो एकदम से जो मोरल डाउन होता है ना, तो उससे क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आता है वो ओवरऑल सारी फैमिली के ऊपर आता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो मोराल कैसे हाई करें, मोटिवेशन कैसे दें, और ख़ुद भी घर वाले कैसे मोटिवेटेड रहें, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें, क्या ऐसी बातें हों, क्या ऐसा माहौल घर का बनाया जाए कि इस चीज़ को सही किया जा सके और मरीज़ भी जल्द से जल्द ऐसे माहौल में ठीक होगा. अच्छा, देखिए पहले तो ये कि अगर थर्ड स्टेज तक का कैंसर है तो उसमें क्योर के चांसेस होते हैं, तो उसमें तो हम जो भी ट्रीटमेंट्स होता है हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है ना कि उसको पूरी तरह किया जाए, क्योंकि क्योर किया जाए. फोर्थ स्टेज जो है ना उसमें मरीज़ जो है और उनकी फैमिली, हमें उन्हें बताना भी है कि भाई ये दिस इज़ नॉट समथिंग क्योरेबल. तो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट केस इज़ के ना हमें फोकस करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे. और उसमें अगर ऐड कर लें कि थर्ड तक पहुंचने से पहले अगर हम नॉर्मल अपने रूटीन्स चेकअप रखें, राइट, रिस्क फैक्टर्स को कम कर लें, जल्दी डायग्नोज कोई चीज़ देखें, उसमें जल्दी डॉक्टर से रुजू कर लें, ताकि उसका जो कॉमन कैंसर्स हैं उसके स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद हैं. इवन लियाकत हॉस्पिटल में मैंने अपनी एक स्क्रीनिंग क्लिनिक एवरी थर्सडे स्टार्ट की है, जिसमें क्योंकि हेपेटाइटिस जिन लोगों को होता है ना उनमें लिवर कैंसर होने का ख़तरा है, फैमिली हिस्ट्री जिनमें कोलन कैंसर की, तो इन सारे लोगों की ना स्क्रीनिंग पहले ही हो जाए तो जल्दी पता चल जाए. ठीक है डॉक्टर साहब, वी वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट दिस, बट सिंस वी हैव नॉट इनफ टाइम, थैंक यू सो मच. आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, सवाल भी है, सो पीपल वॉन्ट टू सी दिस, उनको हेल्थ का चले. फाइनली ये तो है कि लोग अपनी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं. चलिए शो से आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.